मैं जो उसमें संकल्प लिया है मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि हमने चाहे 2014 का संकल्प पत्र था, 2019 का संकल्प पत्र था, हमने उसको 100% पूर्ण किया है। ये संकल्प पत्र हमारे लिए एक ध्येय वाक्य है, हमारा कमिटमेंट है, और ये आदरणीय मोदी जी के साथ उनके सहयोग से 100% इसको हम पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि आज लाडली बहना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये देने का इस संकल्प पत्र में वो निर्णय किया है। हमारी बहनों को इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा, और हमने ये भी उस बात को दोहराया है कि हम हरियाणा के किसान की 24 फसलें MSP पर खरीदने का निर्णय हमारा वो जारी रहेगा, और उसके साथ साथ युवाओं को 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के, जो हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर जो हम ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर युवाओं को नौकरी देते हैं उसको आगे बढ़ाते हुए 2 लाख और नई नौकरियां देने का संकल्प भी हमने इसमें लिया है। उसके साथ साथ इंडस्ट्री के अंदर BC वर्ग के लिए हमने उनको मुद्रा बैंक योजना से अतिरिक्त 25 लाख रुपए का लोन दे करके उनको इंडस्ट्री के अंदर आगे लाने का निर्णय भी संकल्प पत्र के अंदर लिया है। और भी हमारे जो 20 संकल्प पत्र के अंदर हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों से जो बात कही है उसके तहत हरियाणा के लोगों को इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा। और मैं एक और इस संकल्प पत्र के अंदर जो निर्णय किया गया है कि जो आयुष्मान और चिरायु कार्ड उसके तहत हरियाणा के लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज कराने के लिए अधिकार था, अब उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए वो किया है, उसका भी एक बड़ा लाभ हमारे गरीब व्यक्ति को मिलेगा। मैं देखता था हमने संकल्प पत्र के अंदर इस बात का भी निर्णय किया कि लोग किसी ने डायलिसिस कराना है, डायग्नोसिस कराना है, अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में जाता था, उसको बहुत दिक्कत आती थी, गरीब व्यक्ति, वो भी फ्री किया है कि उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये संकल्प पत्र आज आदरणीय नड्डा जी ने रिलीज किया है, और ये हमारा कमिटमेंट है हरियाणा प्रदेश के लगभग 1,37,265 सुझाव लोगों के हमारे पास आए थे, उन सुझावों को सम्मिलित करते हुए हरियाणा प्रदेश के लोगों को ये संकल्प पत्र हमने लिया है, ये आज रिलीज किया है, और इसका बड़ा लाभ ये हमारे लिए कमिटमेंट है, और हम इसको पूरा करने का संकल्प हमारा है।